सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्टो। कल सुबह 5:30 बजे से हमें AEW का फॉरबिडन डोर 2024 PPV देखने को मिल जाएगा। आई थिंक 4:30 बजे से हमें YouTube पे लाइव स्ट्रीम फ्री देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जो जीरो आवर का शो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टाइटल वर्सेज टाइटल का मैच होने वाला है, इस वाले मैच को कौन जीतेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो गाइज, राइट नाउ अभी से कुछ घंटे के बाद हमें AEW का फॉरबिडन डोर 2024 PPV देखने को मिलने वाला है। पहली बार यानी कि ये थर्ड एनुअल पेपर व्यू है AEW X NJPW का फॉरबिडन डोर। तो गाइज, पहली बार डेब्यू होने वाला है मर्सिडीज मोने का, यानी कि साशा बैंक का। मर्सिडीज मोने वर्सेज स्टेफनी वेक्योर के बीच में टाइटल वर्सेज टाइटल का मैच होगा। इस वाले मैच में दो चैंपियनशिप ऑन दी लाइन जाएगा, TBS चैंपियनशिप जो कि AEW का है, और CML प्रमोशन यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग का जो चैंपियनशिप है, NJPW वुमेन्स चैंपियनशिप, दोनों चैंपियनशिप ऑन दी लाइन जाएगा और टाइटल वर्सेस टाइटल का मैच होने वाला है। काफी लोगों का यहां तक कहना है कि इस वाले मैच को मर्सिडीज मोने ही जीतने वाली है और वो हमारे न्यू चैंपियन बनेंगी। तो गाइज, कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाकर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। गाइज, ऑड्स की बात कर ली जाए तो ऑड्स में भी मर्सिडीज मोने के ही नाम चल रहे हैं और काफी सारे वेबसाइट पे हर जगह पे मर्सिडीज मोने का ही नाम है कि वो हमारे न्यू चैंपियन बनेंगी। तो ऐसे में कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से मर्सिडीज मोने ही जीतेंगी और वो हमारे न्यू डबल चैंपियन बनेंगे, यानी कि NJPW के स्ट्रॉन्ग वुमेन्स चैंपियन और TBS चैंपियन तो है ही। तो बाय बाय फ्रेंड्स।